सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं इंस्टाग्राम के ऑल सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, किस सेटिंग से क्या क्या होता है और क्या क्या मतलब फ़ायदे क्या क्या मतलब हैं, तो सारी मतलब इंस्टाग्राम के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा आज मैं इसमें सारे ऑप्शन के बारे में। तो आप वीडियो अगर पूरी देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो हमारा पहला ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका होता है सर्च बार का। तो मैं सर्च बार देख लीजिए, यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है। तो इसमें मैंने सर्च अभी कुछ नहीं किया, आप यहाँ से जाके कुछ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आईडी सर्च करेंगे तो ऐसे आ जाता है, इसे आईडी वगैरह सर्च करते हैं जैसे आपने बनाया है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है आपका रील्स का, यहाँ पर आके आप रील्स को वॉच कर सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर रील्स वगैरह वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर आप रील्स देख सकते हैं और फ्री टाइम में आप इसको मतलब इंजॉयमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लाइक्स का, जो हमारे इसमें एक्टिविटी होती हैं, तो क्या क्या इसमें होते हैं देख लीजिए, इसमें सब पता चल जाता है आपका, किसने पोस्ट आपको लाइक किया, क्या 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 वरना इसमें पता चल रहा है आपकी प्रोफाइल, किसने लाइक की आप फ़ोटो, किसने लाइक की, कमेंट किसने की इसमें वगैरह वगैरह मेंशन वगैरह सब आता था। फिर उसमें हमारा जो हमारा लास्ट है मतलब आइकन का लास्ट है, तो इसमें हमारा प्रोफाइल आ जाता है। प्रोफाइल में कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आने के बाद आपका इसमें शो होगा पोस्ट, आपने कितने लोग को पोस्ट किया है। उसके बाद फॉलोअर्स शो हो जाएंगे, इसमें फॉलोअर्स शो होने के बाद आपका फॉलोइंग शो होगा, आपने कितने फॉलोइंग की मतलब आपके इसमें फॉलोअर्स कितने, मतलब आपके दोस्त खुद ना कितने बने हैं, आपने कितने दोस्त बनाए हैं, इसका मतलब ये है। यहाँ देख लीजिए आपकी फ़ोटो वगैरह पोस्ट हुई है, इसमें ऑप्शन आएगा रील्स का ऑप्शन आएगा, रील्स में आपने कितनी रील्स वगैरह पोस्ट किए। उसके बाद यहाँ पर रील्स का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये इसका लास्ट जो ऑप्शन है, तो इसमें पोस्ट वाले ऑप्शन में इसका मतलब ये है कि आपको किसने किसने टैग किया है, तो यहाँ पर सब दिख रहा है कि किसने किसने मुझे टैग किया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो हमारे होम का स्क्रीन है, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया है हमारा कुछ मतलब आ गया है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए ऊपर बना हुआ प्लस आइकन, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका आ जाता है पोस्ट, जिससे आप फोटो को पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी का ऑप्शन है, जिससे आप स्टोरी लगा सकते हैं। रील्स का ऑप्शन है, जिसको मैंने बता दिया, जिससे रील्स पोस्ट किया जाता है उसे। यहाँ पर लाइव का ऑप्शन है, आप लाइव आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारे मैसेज का ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। मैसेज आने के बाद आप यहां से आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, और यहां से अगर आपको मैसेज किसी को मैसेज सेंड करना हो तो यहां पर आप सर्च करके उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर किसी का मैसेज आता है आपको पता नहीं चलता कि हाँ किसने मैसेज किया है, तो रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है, आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं कि मुझे किसने मैसेज किया है। फिलहाल यहाँ पर किसी का मैसेज नहीं आया है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन के आने के बाद यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास बाय वगैरह लिखे हैं, तो ये कैसा लिखा जाता है। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का है, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा, जिसे एडिट आप प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अगर नेम यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पर नेम लिख लीजिएगा, यूज़र नेम यहाँ पर लिखना होगा, यूज़र नेम आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक डाला है जो कि मेरे चैनल का है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और जो मेरा प्रोफाइल पे लिखा था बायो, तो मैंने बायो से यहाँ से लिखा, आप कहाँ सकते हैं। यहाँ पर नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, जो कि मैं दिखा नहीं सकता मेरा नंबर। यहाँ पर चेंज प्रोफाइल पिक्चर, तो आप प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज सकते हैं आप, फिर यहाँ पर सारे कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं सेटिंग को बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर अचीव का ऑप्शन है, तो अचीव मतलब आपने कौन कौन सी फ़ोटो अगर आपको देखनी है कि मैंने रिसेंटली क्या क्या फ़ोटो मतलब पोस्ट स्टोरी पे लगाया था, तो यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ वगैरह आ जाते हैं कि आपने किसने कौन कौन से फ़ोटो स्टोरी पे लगाई थी। तो फिलहाल मेरा नेट वगैरह स्लो है, तो यहाँ पर आ जाता है कि कौन कौन सी फ़ोटो आपने लगाई थी। यहाँ पर ऐसा डेट भी मेंशन हो जाता है, डेट की वजह से भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लोकेशन भी मेंशन हो जाता है, आपने कहाँ कहाँ से फ़ोटो मतलब ज़्यादातर फ़ोटो या स्टोरी आपने ऐड की, तो मेरा ज़्यादातर गोंडा का है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर ये आ जाता थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आने के बाद देख लीजिए क्या है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल कितने लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल कितनी चेक की।
योर एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाता है। तो योर एक्टिविटी का ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड आपने इंस्टा पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर ऐसा आ जाता है, टुडे मैंने 1 घंटा स्पेंड किया। फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर फोटोज़ का ऑप्शन आ गया, तो आपको फ़ोटो दिख जाएगा। यहाँ पर अपना फ़ोटोज़ देख लीजिए, यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। उसके बाद रील्स आपके आ जाएंगे, इसमें सारे रील्स आ जाएंगे। आप ऐसे रील्स को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आपके ऑल न्यू और टू ओल्डेस्ट रील्स यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद वीडियो मैंने ऐसे कुछ डाली नहीं है। फिर यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में इसको बताएगा कि कमेंट्स, तो आपने कमेंट्स देख लीजिए, आपका कमेंट्स है जिसको हमने कमेंट किया है। तो यहाँ पर सारे कमेंट्स शो हो रहे हैं। और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपने किसको उसको लाइक किया है, तो सारे फ़ोटोज शो हो जाएंगे, लाइक्स वाले फ़ोटो। तो यहाँ पर मेरे लाइक वाले फ़ोटो जो है, स्टोरी रिप्लाई, तो मैंने किसी का स्टोरी रिप्लाई किया है। तो यहाँ पर काफ़ी देख लीजिए, मैं करता नहीं हूँ फ़िलहाल, तो यहाँ पर मैंने इतना किया है, तो उसी का ऐसा कुछ आ रहा है। फ़िलहाल मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारा स्टोरी हिस्ट्री का है, तो स्टोरी हिस्ट्री के बाद इसका यह है कि आपका पासवर्ड कब चेंज हुआ, कब बायो चेंज हुई, कब नंबर चेंज हुआ, कब क्या क्या चेंज हुआ, इसके ये पता लग जाता है। सो यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर ऑप्शन पे रिसेंट सर्चेस, तो हमारे कोई सर्च नहीं है। लिंक योर, तो मेरा किसी से लिंक नहीं है, केवल एक वेबसाइट से लिंक है, जो कि मेरा यूट्यूब खुद का है। और यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको हाई कर सकते हैं। और फिर रिसेंटली डिलीटेड, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आता है रिसेंटली डिलीटेड, आपने अभी 28 दिन के लिए मतलब रिसेंटली 28 दिन में क्या क्या डिलीट किया है। तो मैं ज़्यादातर कुछ डिलीट नहीं करता, इनमें रील्स वगैरह हर चीज़ शो हो जाते हैं। फिलहाल मैं पोस्ट एक ही पोस्ट डिलीट किया हूँ। उसके बाद डाउनलोड एंड इन्फॉर्मेशन पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पे किसी के जीमेल डला के डाल के यहाँ पर टोटल सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने इंस्टाग्राम का। उसके बाद देख लीजिए, मैं यहाँ पर जो आपका योर और यू आर जी कोड है, तो और जी कोड आप स्कैन करके देख लीजिए, आप दूसरा बंदा स्कैन करा के आप यहाँ से मतलब ले आ सकते हैं। जैसे कि मतलब आप किसी को ये सेंड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कैसे भी तरह की आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा कुछ है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सेव का ऑप्शन है, तो आपने क्या क्या सेव किया सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, क्या क्या गाना सेव किया गया, वीडियो तो मेरे इतने सेव हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्लोज फ्रेंड का है, तो क्लोज फ्रेंड पे भी कौन किसको किसको आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। फिर डिस्कवर फ्रेंड पीपल जो आसपास के हैं, 30-40 किलोमीटर के आसपास हैं, तो उनकी आईडी वगैरह आ जाती है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जानते हो तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है इंस्टाग्राम वालों ने। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इंस्टाग्राम सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो इंस्टाग्राम सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फॉलो एंड इनवाइट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप किसी से फॉलो करवा सकते हैं और इंस्टा को आप डाउनलोड करवा के उसको इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन मतलब किन कौन को जाता है, क्या क्या बंद है, क्या क्या मतलब कैसा कैसा है, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का मतलब तो समझते हैं। ये बिजनेस अकाउंट आपको पता नहीं होगा, फिर आपको प्राइवेसी में आ जाते हैं। प्राइवेसी में आते आप अगर आप प्राइवेट कर देते हैं तो आपकी अकाउंट कोई नहीं देख पाएगा, तो आपको रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा और रिक्वेस्ट ऐसा नहीं करेगा। ये तो आपको पता होगा अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट्स का ऑप्शन है, तो लिमिट्स पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप वगैरह कमेंट वगैरह लिमिट तक आएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा और यहाँ अनवांटेड कमेंट वगैरह नहीं आएंगे, गंदे कमेंट नहीं आएंगे। फिर कमेंट के ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप कमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैनुअल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा अभी रीलोड नहीं हो रहा, तो मैंने एक भी कमेंट ब्लॉक नहीं किया है। यहाँ पर पीपल फॉलो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर 12,000 फॉलो पीपल यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं, तो उनका कमेंट किनका बंद करना है किनका नहीं, तो उसमें सारे आ जाते हैं। तो मैं अपने फॉलोइंग कैसे कर सकता हूँ, बट मैंने एवरीवन किया है। तो इसमें अगर आपको सेट करना हो तो आप फॉलो एंड फॉलोअर्स वाले कमेंट भी कर सकते हैं, अगर वो कमेंट कर सकते हैं तभी आएगा। इसमें दिया होगा केवल आपके मतलब जो आपने फॉलो किए पीपल योर, तो आपने ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सब मतलब हर जैसे आपने किसी को फॉलो किया वही कमेंट कर सकता है। इसमें ऐसे ऑप्शन है, तो ऑल टोटल ऑप्शन आ जाते हैं, मैं बैक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का, तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ का सॉरी यहाँ पर हाइट काउंट कर सकते हैं, एवरीवन कौन कौन आप लाइक कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे मेंशन भी है, सेम मेंशन भी ऐसा है, स्टोरी भी ऐसे है, उसके बाद लाइव वगैरह सब इसमें सेम है। यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन आता है गाइड का, तो यहाँ पर गाइड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना हो, गाइड के
क्या है गाइड कंट्रोल, तो यहाँ पर आपको ऐसा कर देना है, अगर आपकी फेक आईडी फेक यूजर नेम से कोई आईडी बनाता है तो बन नहीं पाएगी और ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए आ गई है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आया है एक ऑप्शन एक्टिविटी स्टेटस, तो एक्टिविटी स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अब शो एक्टिविटी स्टेटस यहाँ पर शो होंगे, तो यहाँ पर आप इसको ऑफ मतलब ऑन कर सकते हैं, तो आप अगर चैट होते हैं तो एक्टिविटी दिखेगी। हम ऐसा तो बहुत सारे ऑप्शन ब्लॉक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको इतना पता होगा। फिर यहाँ पर और काफ़ी ऑप्शन है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसको बाद में बताऊँगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के, तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब के लिए बाय बाय टाटा।